अभी आए थे आपके पास पुलिस पुलिस जी कहला क्या हुआ? कुछ गलत काम किए थे क्या? गलत काम गुटका टांग बेचे थे जाओ। क्या क्या कुछ हो रहा है सर? कौन बाइट देंगे? क्या कुछ हो रहा है मैडम? क्या कुछ हो रहा है? ये कोटपा अधिनियम 2003 के तहत हम लोग धारा 4 और 6 पे कार्रवाई कर रहे हैं। 200 रुपए तक का फाइन है वो लिया जा रहा है और बाकी दिशा निर्देश दी जा रही है कि जैसे कि बाहर एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है और 18 वर्ष के से कम है उनको भी सिगरेट वगैरह नहीं देना है। सिगरेट खुले पे नहीं बेचना है, वो सिर्फ पैकेट पे बेचनी है। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है कि इससे पहले भी आप लोग द्वारा कर रहे हैं? दूसरे एरियाज पे हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं आगे भी। क्या लग रही है, ये 200-300 रुपया फाइन करके छोड़ देंगे तो ये लोग मान जाएंगे? तो जो सरकार का नियम है वो 200 मैक्सिमम है, तो हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। जो नियम है वही फॉलो करेंगे ना। सिर्फ जुर्माना करना है उन लोग का ऊपर? हाँ, कोई कार्रवाई? जुर्माने का ही कार्रवाई है अभी। सामान वामान का कुछ जब्ती भी है क्या? 4 और 6 पे ही किया जा सकता है अभी, तो उस पे 200 रुपए तक का ही मैक्सिमम। कुछ जब्ती भी कर रहे हैं क्या? नहीं, जब्ती मैंने अभी आप समझा रहे हैं बुझा रहे हैं 200 रुपए का फाइन करके चले जा रहे हैं। आप जैसे जाते हैं फिर इन लोग लटका के बेचना शुरू कर देंगे। रेगुलर होगा हमारा डीजी साहब का आदेश है गढ़वा से कि आप रेगुलर करें, सब लोग मिल के करें। मैडम फूड सेफ्टी हैं, हम लोग सदर हॉस्पिटल से हैं, कंबाइन हम लोग रेगुलर छापा मारेंगे सारे ब्लॉक में। जब तक क्यों ना होल्डिंग जब तक अभी नहीं करेंगे। कुछ गरीब लोग भी हैं, इनका पेट चलता है, जिसकी वजह से हम लोग अभी उतना कड़े नहीं हुए हैं, बट भविष्य में कड़े होंगे। होल्डिंग के ऊपर क्या कुछ बोलेंगे? होल्डिंग के ऊपर जो चोर है पर लगता है उन लोगों के ऊपर भी कुछ नहीं लगाना है? वो भी नहीं लगाना है। डीजी साहब का लेटर है मेरे पास, डीजी साहब का आदेश भी है, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर ब्लॉक में करेंगे। सबसे बड़ी चीज है ये गरीब आदमी को अगर ये जीने का आधार है, अगर जो है गुटखा अगर ये बेच रहा है तो इसके ऊपर कार्रवाई होगा, इनके ऊपर जो है जुर्माना लगेगा। सारा धारा जो है कानून बना है ये गरीब आदमी के लिए है, लेकिन जो बड़े बड़े स्टार है जैसे कि आप होल्डिंग पर देखा करते थे, हालांकि नाम भी हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन एक चीज ये समझिए, बड़े बड़े टीवी पर देखा करते थे, होल्डिंग में देखा करते थे, पेपर में जो एड होता है, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि ये जो है बहुत बड़े बड़े स्टार है, बहुत बड़े ये कलाकार है, ये प्रचार करते हैं और ये प्रचार के लिए जो है ये लाखों रुपया नहीं लेते बल्कि कई करोड़ लेते हैं, जो एक फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन यही दुकानदार अगर 10 रुपया का अगर गुटखा बेच दे तो इनके ऊपर जो है फाइन ठोका जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगा। अभी साहब क्या बोले आपको? बोलो क्या कुछ बोले? कुछ बोले हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी से आता है तब तो हम लोग बेचते हैं। अभी क्या साहब अभी क्या किया आपके पास? शासन आए आपके दुकान पर, क्या चीज का छापा मारी मारे और क्या वो बोले? ये गुटखा के लेकर बताएं कि गुटखा वुटका नहीं बेचना है, ये सब पर इसी का लेकर 200 का फाइन किया। बोले कि अब से कहां फाइन रसीद आपको मिला? फाइन रसीद है मेरे पास। दीजिए, दिखाइए दिखाइए, ये फाइन रसीद मिला और क्या बोला गया? गुटखा नहीं बेचना है, इससे तंदुकर हाली है, 18 साल से कम वर्ष वालों के सिगरेट विगरेट नहीं देना। ये बात बोले। अच्छा, ये आप लोगों के ऊपर करवाई मतलब 200 रुपया का जुर्माना लगा? दिन भर में आज कितना बेचे होंगे? दिन भर में मैक्सिमम 700-800 बेचे होंगे। 700-800 रुपया का बेच दिए? गुटखा पर नहीं बेचे हैं, बिस्किट मिक्सचर मेरे पास और किराना सामान है, बिस्किट मिक्सचर सरफ साबुन सब है। अच्छा, ये कार्रवाई सिर्फ गरीबों लोगों पर होती है कि बड़े बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होता है? बड़े बड़े लोगों पे कहाँ से होगा, नहीं होता है गरीबों पर। अच्छा, ये प्रचार प्रसार कोई देखिए कि न खरीदता है, इसका प्रचार कौन करता है मालूम है? गुटखा उटका का सुबह बहुत बड़ा बड़ा सब हीरो लोग करता है। तो लोगों पर कार्रवाई होता है? सबके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होता है, वो सबसे करोड़ों रुपया कमाता है। गरीब लोगों पर कार्रवाई होता है जी। ये गुमटी में लगभग देख रहे हैं जो आपको 500-1000 रुपया के साथ तो टोटल सामान होगा। हाँ, अगर ये बहुत बड़ा दुकान रहता तो? बहुत बड़ा रहता तो फिर अब साहब क्या करता है, नहीं करता बड़ा बड़ा पर तो नहीं करेगा, नहीं होता। मैंने गरीब जहाँ देखे लोग कार्रवाई के लिए आ जाते हैं। अच्छा, क्या मांग है? बड़े बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना, अगर ये कंपनी से ही बंद होता तो आपके पास आता? नहीं आता, नहीं तो बेच भी नहीं करते हैं। कोई ना कोई तो दे रहा है ना, अगर दे रहा है तब तो आप उसको खरीद रहे ना। अगर आप उसको नहीं खरीदिएगा तो आपका घर का रोजी रोटी भी छिना जाएगा जी। आप 2 पैसा कमा रहे हैं तो उसी से कमा रहे हैं। अगर इसको बंद करवाना है सरकार को तो क्या बंद करवाना होगा उसको? सरकार को तो फिर कंपनी बंद करवाना, कंपनी बंद करवाना। अब जब कंपनी नहीं रहेगा तो आप बेच पाइएगा? नहीं। 200 रुपए का फाइन क्यों मारा जाएगा? फाइन नहीं लगेगा, सामान नहीं रहेगा मार्केट में तो कहाँ से आई भी नहीं करेगा, कंपनी से तुम लोग बेचेंगे कहाँ से? चलिए, अच्छा ये काम कैसा नहीं बताइए? अभी पुलिस वुलिस देख ली रहुआ? हाँ। क्या कर रहे आई रहन वहाँ? गरीब के पेट में लात मारे। लात मारे हाँ। का कहलन वहाँ? दे 200 रुपया दे तुम मर बहु। हाँ। गरिया बहु। हाँ। हम माई बहन वहन के नौकरी मिल गई। हाँ।
तो वन के माई बहन चिकन बड़ा और हमारे गरीब के जो पान दुकान वाला है उनका माई बहन खुटा में। अच्छा ये बताओ ना, ये जो दुकान में आवत बा गुटका, ये दुकान में छापा मारी मारे की जरूरत बा कि जो बड़का बड़का कंपनी में वो फैक्ट्री के मारस ना, फैक्ट्री में ना गरीब आदमी चिका वन के तो नोट दे बड़ा संसद विधायक के मोदी के नोट ले बड़ा। चलिए आपको ये हम बता दें क्योंकि छापामारी तो मार रहे हैं, जरूरी है, हालांकि नहीं बेचना चाहिए। आज के बाद आप कसम खाइए इस बात को लेकर जो गुटखा सिगरेट ये सब आप नहीं बेचेंगे, कसम खाइए पहले। बिल्कुल पहले बात की हम लोग का धर्म है कसम खाना है नहीं, हम लोग खा नहीं सकते हैं, सर कट जाएगा तो कट जाएगा। ये हम लोग का धर्म है ही नहीं है क्रिया खाना, अल्लाह से बढ़कर हम लोग की दुनिया में कोई है ही नहीं है। इसलिए अच्छा कैसे लोग कैसे विश्वास करेंगे जब आप नहीं बेचिएगा? बिल्कुल गुटखा बेचने के लिए स्पेशल माना किया, सिगरेट के लिए तो बैंड है। अच्छा मैंने सिगरेट में नशा नहीं है, उससे कोई बीमारी नहीं, कोई मतलब नहीं है। सिगरेट के लिए सर बोले हैं सिगरेट 18 साल के कम उम्र वाले को नहीं देना, मैंने सिगरेट बेचना है, सिगरेट पर 18 साल से ऊपर के जो है उनको सिगरेट देना है, लेकिन गुटखा उटका देना है। गजब है आपकी लीला और परंपार है आपकी लीला, मैंने गुटखा नहीं बेचना है और सिगरेट बेचना है, इसलिए आए थे आपके पास पुलिस जी। कहला क्या हुआ, कुछ गलत काम किए थे क्या? गलत काम गुटखा टांग बेचे थे, आपका गलत काम गुटखा बंद कर रही, बेचना बंद होगा। क्या बोले आए तो क्या बोले? हम क्या बोले? नहीं नहीं वो जब रहते थे हम बोले थे कहिएगा जब ना हटाएंगे, तो नोच रहा था पुलिस के बार बना लेते हम नहीं है क्या होता है। अच्छा गुटखा बेचना वेचना खाना वाना कैसा है, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है कंपनी जानेगा, हम कहले जानेगा, हमको तो बेचना है, कंपनी बंद होगा नहीं बेचेंगे। मैंने कंपनी इसको बंद कर देगा? हाँ बंद कर देगा। अगर कंपनी बंद कर देगा तो आप लोगों के पास आईपे नहीं करेगा? आईपे नहीं करेगा तो बेचबे नहीं कीजिएगा? हाँ नहीं बेचेंगे। ऐसे करते क्या है आप, दुकान के अलावा और कुछ काम है? नहीं दुकान के अलावा हम विकलांग है, कुछ नहीं करते। अच्छा विकलांग है, ये छोटा मोटा आपका दौरी दुकान है? हाँ। आप इसी से दो वक्त की रोटी? हाँ, रोजी रोटी करते हैं। घर में कौन कौन है? मेरा माँ है बगल में। अच्छी चाय दुकान माँ का ही है? हाँ। और घर में बीबी उबी है, शादी उदी हुआ है? शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है, भाई वही भाई भाई है। अच्छा आप क्या कीजिएगा, गुटखा उटका बेचिएगा कि नहीं बेचिएगा? गुटखा बंद होगा तो बेचबे नहीं करेंगे, दीदी जाए भी जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि हमको खा ले दीजिए रोजी रोटी। राशन वासन कुछ मिलता है ना? आप राशन मिलता है, 5 किलो में पेट भर जाएगा, पूरा जिंदगी भर चल जाएगा, कम से कम 50 किलो 1 क्विंटल मिलना चाहिए तब ना। चलिए ठीक है, आप गुटखा उटका नहीं बेचना है ठीक है? हमको ना गुटखा नहीं बेचेंगे, कंपनी मान बंद कर दे। चलिए हम बेचबे नहीं करेंगे। हाँ।